तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसी खतरनाक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको देखते ही आप डाउनलोड कर लेंगे। कुछ एप्लीकेशन का वर्क कुछ इस प्रकार से है, जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की एप्लीकेशन है जिसको देखते ही आप डाउनलोड कर लेंगे। आपको बार बार ऊपर से जो नोटिफिकेशन निकालते हैं आपको नीचे से या ऊपर से जो भी नोटिफिकेशन निकालते हैं उसको निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसको जो बार बार परेशान हो जाते हैं इनको निकालने में और नीचे से ऊपर रिसेंट टाइप करने में, इसकी भी आपको समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये VM नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का पूरा नाम है दोस्तों VM स्वीप नोटिफिकेशन। दोस्तों इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसको आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, आपने प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को दोस्तों मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इसकी सेटिंग करनी है, वो आपको मैं सिखा देता हूं। दोस्तों जब आप एप्लीकेशन को अपने फ़ोन ड्राइव में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इजीली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परमिशन बोल रहा है क्लिक टू इनेबल VM स्वीप, आपने इस बटन पे क्लिक कर देना और इसको ऑन कर देना और इसको एक बार चेक करके देख लेना कि ये वर्क कर रही है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये हमारी एप्लीकेशन चल रही है। उसके बाद एक बार फिर आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर दो नंबर यानी सेकंड यानी दूसरे नंबर पे एक बटन दिख रहा है आपको ब्यूटीफुल योर फ़ोन, आपने इस बटन को इनेबल कर देना। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आप ऊपर की तरफ देखिए हमारी स्क्रीन के जो कॉर्नर बने हुए हैं वो किस प्रकार से एक गोलाई में बन चुके हैं। अगर आप इन कॉर्नर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो नीचे देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल रहा है चेंज थीम का, आपने चेंज थीम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैं एक येलो कलर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जैसे कलर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ, आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो कॉर्नर है ये पर ये जो आपका साइड बार है इसका कुछ कलर इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा राइट का, यहाँ पर आपने राइट पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो आपकी नोटिफिकेशन है ये इसको राइट में रखना चाहते हैं या लेफ्ट में रखना चाहते हैं। जैसे मैं लेफ्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा लेफ्ट साइड में आ गया है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप सेटिंग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज बार पोजीशन, आप यहाँ से इसकी जो भी जी हाँ जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ से आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं बीच से इसके बीच में कर लेता हूँ, यहाँ से इसको बीच में करने के बाद आपने बैक कर देना है। बैक करने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से रेडी हो गई है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर साइड में देखिए दोस्तों हमारे जो लेफ्ट में एक डब्बी सी बन के आ गई है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आप अपने मोबाइल डाटा वाईफाई शेयर जो सेटिंग है जहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे मैं सेटिंग पर टाइप करता हूँ, यहाँ पर सेटिंग में आ गए हैं। उसके बाद यहाँ से हमारी ब्राइटनेस है जिसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये ब्राइटनेस करने का कितना अच्छा ऑप्शन हमें मिल गया है, आप अपने हिसाब से अपनी ब्राइटनेस को रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको शेयर ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो रिस्केशन का, यहाँ पर टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर हॉटस्पॉट सेटिंग का ऐप का दोस्तों, ठीक है। जैसे ऐप पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके एप्लीकेशन आ जाएंगी। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, जो यहाँ पर प्लस प्लस के सिंबल बने हुए आपने प्लस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, जो भी आपके मोबाइल में यानी आपकी डिवाइस में जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पर सभी को निकाल के रख देगा। उसके बाद यहाँ से आप जो भी एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं फाइल मैनेजर को ऐड करना चाहता हूँ तो फाइल मैनेजर पे आपने टाइप कर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ब्लैक सा हो गया है। ब्लैक होने के बाद नीचे दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो मल्टीप्लाई का और एक राइट का, आपने राइट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा फाइल मैनेजर यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा भी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैं म्यूजिक पे क्लिक कर देता हूँ म्यूजिक पे, और उसके बाद नीचे राइट का ऑप्शन है, आपने राइट पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे बैग डायरेक्ट यहाँ से हम फाइल मैनेजर में भी जा सकते हैं और फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ से हम म्यूजिक में भी जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा म्यूजिक का आ गया है और आप अपने हिसाब से यहाँ पर यूट्यूब में जाना चाहते हैं यूट्यूब में भी जा सकते हैं। दोस्तों अभी मेरा डाटा ऑफ है क्योंकि मेरी 1 GB लिमिट समाप्त हो चुकी है, तो अभी यूट्यूब नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ऐसी एप्लीकेशन का आनंद ले सकें। तो दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक अपनी तरफ से ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।